नमस्कार दोस्तों, अगर 2024 में भाजपा की सरकार बनती है तो संविधान को खत्म कर देगी, और जब तक संविधान है समझ लो बाबा साहब जिंदा हैं। इसलिए हमें इस चुनाव में बाबा साहब और उनके दिए हुए संविधान दोनों को बचाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्ते प्रणाम, हम चमराम शायर मिथुन दास साथियों, इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बता दें हम आपको कि हम आज वो चीज हम बताने वाले हैं आपको कि आप सोचे होंगे लेकिन सुने होंगे लेकिन याद तो होगा नहीं। और हम याद इसलिए धरा रहे हैं साथियों कि 2024 में चुनाव आने वाला है और 2023 तो समझ लीजिए अब खत्म हो चुका है क्योंकि नवंबर का लास्ट महीना चल रहा है, दिसंबर आएगा सब खत्म हो जाएगा। तो साथ ही हम बता दें बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश का 4-4 बार सीएम बन चुकी हैं और उन्हें आयरन लेडी वैसे ही नहीं जाना जाता है। साथ ही और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों के लिए बहुत कार्य किए हैं बहन कुमारी मायावती जी ने, मान्यवर कांशी राम, तथागत बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी और बहुत से परिवार, स्वामी ललित सिंह यादव हुए, बहुत बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों का नाम जगाया और नाम जगाने का कार्य हमारे बहन कुमारी मायावती जी ने किया साथियों। और बहन मायावती जी के बारे में हम बताना चाहते हैं साथियों कि बड़े बड़े महापुरुषों को जीवित रखने के लिए वो अपना हर एक जगह पे नाम लिख दी थी कि हमारे जितने भी लोग जाए उत्तर प्रदेश के घूमे तो उनको नाम याद आए कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है। तो साथियों बता दें बहन कुमारी मायावती जी ने जब सीएम बनी थी तो कांशी रामनगर बनाया था साथियों, कांशी रामनगर बनाया था। और बता दें दोस्तों कि ज्योतिबा फूले नगर बहन कुमारी मायावती जी ने ही बनाया है और रामाबाई नगर मायावती जी ने ही बनाई है। और मान्यवर कांशी राम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना वही करी और स्कूल का नाम वही खोली है बहन कुमारी मायावती जी ने, मान्यवर कांशी राम कृषि विश्वविद्यालय साथियों। और बता दें मान्यवर कांशी राम फारसी विश्वविद्यालय वही नाम धरी थी साथियों। और आपको बता दें रामाबाई नगर वही नाम रखी है बहन कुमारी मायावती जी ने। और आपको बता दें साथियों छत्रपति साहू जी महाराज वही नगर का नाम रखी है बहन कुमारी मायावती जी ने। और भीम नगर बहन कुमारी मायावती जी ने नाम रखी है साथियों। और बड़ी बात बता दें संत रविदास नगर जो बनाई थी बहन कुमारी मायावती जी ने ही बनाई थी साथियों। और आपको बातें बता रहे हैं साथियों, अब इस वीडियो में रुके रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें बताएंगे तो सुने रहिएगा। क्यों बता रहे हैं? रुको जरा, सबर करो। बता दे साथियों कि मान्यवर कांशी राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता था हर एक स्कूल में, वो भी बताएंगे बहन कुमारी मायावती जी ने लागू करवाया था। और बहन कुमारी मायावती जी ने बता दे कि 7-8 ऐसे शहर का नाम और बहुत अच्छे अच्छे नाम रखी थी बहन कुमारी मायावती जी ने। और बहन कुमारी मायावती जी ने नाम तो रखी थी लेकिन हमारे मान्यवर अखिलेश भैया जब 2012 से 16 तक सीएम के पद पे जब बैठे तो क्या क्या किए आज बहुत जगह देखते होंगे कि हमारे मान्यवर अखिलेश भैया ने जहां जाते होंगे तहां परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और हमारे मान्यवर कांशी राम जी को फूलों का अर्पित करते हुए और बड़ी बड़ी न्यूजों में आप देखे होंगे कि सर झुकाए हुए प्रणाम करते हैं। लेकिन उनके प्रणाम करने का एक राजिया है दोस्तों, और उस प्रणाम करने का रीजन क्या है हमें भी बताएंगे हमारे भाई। मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है वो भी बताएंगे साथियों। उससे पहले दोस्तों बता दें कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में 53 जातियां आती है, 53 जातियां में से एक जाति काम करती है आरक्षण का, वो काम करती है चमार बिरादरी करती है और कोई बिरादरी नहीं करता है साथियों। 52 बिरादरियां मजे लेती है रिजर्वेशन का लेकिन जब भी लड़ाई करती है, रोड शो करती है, किसी दलित वर्ग को मारा जाता है, कुचला जाता है तो सबसे पहले वहां पे चमार जातियां उभरती है और कोई बिरादरी नहीं आती है। 52 जातियां बैठ के खाती है और 52 में से 1 53 प्लस होती है वो चमार जातियां होती है जो कि हर चीज का सामना करती है, लड़ाइयां करती है साथियों। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एससी एसटी ओबीसी वाले लोगों को कब समझ में आएगा हमको तो समझ में नहीं आया। एससी को तो समझ में आ गया लेकिन एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जितने भी आते हैं साथियों उन लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, अपने आप को क्या समझते हैं हमको तो पता ही नहीं चलता है दोस्तों। और बता दें हमारे बहन कुमारी मायावती जी ने जितने भी महापुरुषों का नाम डाली थी हर एक शहर को, महापुरुषों को बस जीवित रखने के लिए नाम डाला था साथियों कि हमारे लोग जाएंगे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग तो ये समझेंगे कि ये वाकई हमारे लिए किए क्या है। लेकिन हमारे अखिलेश भैया ने क्या किए ये भी आप बता दे रहे हैं साथियों। अखिलेश भैया का कारनामा बता दे साथियों की
कांसी रामनगर बनाया था बहन कुमारी मायावती जी ने, जो कि हमारे अखिलेश भैया आए तो कांसी रामनगर को कासगंज कर दिया। देखिए कितनी बड़ी घृणा है नामों से साथियों, हमें सब बताएंगे वीडियो में कितनी बड़ी घृणा है साथियों। ये अच्छा ज्योतिबा फूले नगर बहन कुमारी मायावती जी ने बनाई थी, जो कि ज्योतिबा फूले नगर को बदलकर अमरोहा नगर कर दिया, वो हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जी ने नाम बदला है साथियों। और बता दे रामाबाई नगर बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, जब अखिलेश भैया ने जब सीएम के पद पे बैठे तो रामाबाई नगर को नाम बदलकर कानपुर देहात नगर कर दिया साथियों। देखिए कितनी बड़ी घृणा है इन लोगों को। और बता दे माननीय कांसी राम कृषि विश्वविद्यालय का नाम डाला था बहन कुमारी मायावती जी ने, लेकिन जब हमारे अखिलेश भैया आया तो उनको क्या कर दिए, बाधा कृषि विश्वविद्यालय कर दिए साथियों। देखिए सोचिए आप 2024 में ये चीज ठान लीजिए कि वोट किसको देना है साथियों। हम किसी को कहेंगे नहीं कि आप उसी को वोट दीजिए, लेकिन आप महापुरुषों को जो छेड़छाड़ करेगा उंगली दिखाएगा साथियों, तो हम तो चुप नहीं बैठने वाले हैं, इतना तो हम तय है साथियों। और बता दे आपको साथियों रामाबाई नगर बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, जो कि हमारे अखिलेश भैया आया है तो रामाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया, हमारे अखिलेश भैया ने किया है साथियों। तो बता दें छत्रपति साहू जी महाराजगंज एक नाम था शहर का, जिसको हमारे अखिलेश भैया जब कुर्सी पद पे बैठे तो उसको छत्रपति साहू जी महाराज का नाम बदल के साथियों अमेठी कर दिया। आपको ध्यान होगा साथियों, आप जरूर ये चीज देखिएगा, अमेठी कर दिया साथियों। नो गॉड प्लीज नो नो नो। भीमनगर बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, भीमनगर का नाम बदल के साथियों अब माननीय अखिलेश भैया ने उसको संभल कर दिया। 2016 में एक सब किए, 12 से 16 तक जब थे तब एक कार्य किया गया साथियों। और बता दे साथियों कि संत रविनाश नगर जो बनाई थी बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, उस नगर का नाम बदल के भदोही कर दिया हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जी ने। और कांसी राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता था साथियों, लेकिन मानव कांसी राम का जन्म मिटाने वाला एक कोई और व्यक्ति नहीं है, हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जी हैं। जब अपने राज्य में आए 12 से 16 तक कुर्सी पर पद पे बैठे थे तो हर स्कूलों का छुट्टियां जो होता था मानव कांसी राम के जन्मदिन पर उसको साथियों बता दे कि उसको सब रद्द करवा दिए। और आपको बता दे साथियों कि हमारे अखिलेश भैया 2012 से 2016 तक थे, जो कि 12 शहरों का नाम और जिला का नाम बदल के ऐसा तैसा रख दिए साथियों। तो सोचिए वह इंसान हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माननीय और कांसी राम छत्रपति शिवाजी महाराज और ललई सिंह यादव पेरियार स्वामी जितने भी हैं, रामाबाई फूले भाई जितने भी लोग हमारे बड़े बड़े महापुरुष हैं, उन लोगों का नाम बदल दिया तो कैसे पता चलेगा दोस्तों कि हमारे एससी समाज के लिए वो ओबीसी का लड़का कार्य आएगा कभी कुर्सी पे अगर आ गया तो साथियों। तो हम आपको ये चीज बताने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, और 2024 में वोट आने वाला है, अपने समझ बूझ के आप यह कार्य कीजिएगा। अब्बास बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना, एक वोट का मतलब तो जानते क्या होता है, 1 करोड़ के माफित होता है साथियों, माफित होता है। तो हम आपको बता दे कभी भी आप जाइएगा, 2024 में वोट आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है साथियों। तो आपको सब कुछ मध्य देखते हुए आपको कार्य करना है, किसी के प्रेशर बहकावे में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर कोई एससी के लिए कोई खड़ा होगा तो हमारे बहन कुमारी मायावती जी होंगी और हमारे बड़े भैया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी होंगे, और तीसर का कोई आने वाला नहीं है। बहुत तमाम लोग हैं मंच पे आने के बाद हम लोग को गुमराह करने के लिए साथियों, जो जय श्री राम बोलता था सालों साल, वो 5 मिनट में जय भीम बोल देगा, लेकिन जब 5 साल लगेगा ना साथियों तो आपका लाइफ बर्बाद कर देगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, तो आप जैसे आप देख रहे हैं वैसे एक दूसरे को शेयर करिएगा, और साथियों और उससे बढ़िया हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा, बड़े बड़े नेताओं लोगों का अगर चिट्ठा खुलवाना होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 2024 आने वाला है साथियों, और जो जो नेता बोलते हैं कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को साथ लेकर चलूंगा, तो हम उन लोगों का जरूर चिट्ठा एक बार खोलूंगा साथियों इस चैनल पे। तो उम्मीद करते कि इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय भीम।